हेलो एवरीवन, डॉक्टर हसल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस को कैसे पहचाने। जिस तरह से कोरोना का रेट भी बढ़ रहा है, उसी तरह से अगर आप देखो तो ब्लैक फंगस का भी जो है वो केसेस जो है इंडिया में खासकर बहुत ज़्यादा लेवल से जो है बढ़ रहे हैं। अभी तक अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल गया कि तकरीबन 90 लोग जो है ब्लैक फंगस के द्वारा जो है वो मारे गए हैं। और गुजरात में भी देखें तो 100 से ज़्यादा केसेस जो है वो ब्लैक फंगस के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ब्लैक फंगस होता क्या है, कैसे जो है इसको पहचान सकते हैं, और अगर किसी में ऐसा सिम्टम्स पाए जाते हैं तो क्या करना चाहिए आगे। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसे छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलो एक एक करके जो है सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट तक जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर ब्लैक फंगस है क्या, तो ब्लैक फंगस को जो है वो माइकोसिस जो है वो इसका बायोलॉजिकल नेम है, जो कि एक तरह का दुर्लभ और बहुत ही खतरनाक फंगस संक्रमण जो है ये मिला जाता है, जिसे जो कॉमन भाषा है उसे अब ब्लैक फंगस के नाम से जो है वो सभी जगह जो है ये प्रचलित हो रहा है। और आगे भी जो हम इसी नाम से जो है वो आपको पूरी वीडियो में डिस्कस करते चलेंगे। अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें तो ये जो है एक इन्फेक्शन टाइप का वातावरण में रहता है, जैसे कि मिट्टी जैसी जगहों में मौजूद होता है। और अगर हम बात करें, एक तरह का सूक्ष्म जीव होता है जिनको म्यूकोकर्मी सेट्स जो है ये बोलते हैं। और ये ब्लैक फंगस तब होता है जब सांस के द्वारा अंदर लिया जाता है, या फिर किसी तरह का स्किन कांटेक्ट के जरिए जो है, स्किन टच होने से जो है ये आपके शरीर में आ जाता है। अब क्या होता है कि शरीर में साइनस और फेफड़े, त्वचा, दिमाग पे ये जो है ब्लैक फंगस काफ़ी हमला करता है, और एक तरह का जो है दुर्लभ और जो है फंगल संक्रमण है। तो ये एक जगह से दूसरे जगह जो है वो ट्रांसफ़र भी होते रहता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस के जरिए, स्किन टच होने से या कांटेक्ट के जरिए जो है ये ट्रांसफ़र होते रहता है। अगर हम इन्फेक्शन वाले वातावरण में बात करते हैं, जहाँ की जैसे मिट्टी वाली जगहों में जो है, तो यहाँ पे ये मौजूद होते हैं। और जैसे इंसान कोई जो है वो सांस लेता है, या फिर उस मिट्टी के कांटेक्ट में जहाँ पे ये रहते हैं, ये जब वो आते हैं तो ये जो है शरीर के साइनस, फेफड़े या त्वचा पे जो है, या जो दिमाग होता है उस पे हमला जो है ये कर देते हैं, और वहाँ पे जो है ये अटैक कर देते हैं। और जिस तरह के इसके लक्षण हैं, जो कि हम अभी आगे देखते हैं कि आखिर इसके सिम्टम्स जो है वो क्या है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ब्लैक फंगस में और कोरोना में जो है वो आपको किस तरह का जो है वो कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ब्लैक फंगस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं तो, और पूरी तरह से फिट रहते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो ब्लैक फंगस को आसानी से जो है हैंडल कर लेता है। यानी कि अगर ब्लैक फंगस एक पूरे हेल्थी इंसान पे अटैक करता है, तो ब्लैक फंगस को जो है उसका इम्यून सिस्टम वो ख़त्म कर देता है। अगर दूसरे हेल्थी पर्सन के पास भी जाता है उसे, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कोरोना के साथ इसका संबंध कुछ इस तरह से बन गया है कि कोविड-19 के चलते, यानी कि कोरोना के चलते, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहद कमज़ोर हो जाता है। कोरोना में आप देखोगे कि अलग अलग तरीके जैसे है वो दवाइयाँ लोग ले रहे हैं, अलग अलग तरीके के जो इंजेक्शन ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ रहा है। और इम्यून सिस्टम जो है जिसको कोविड हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक बहुत ही बुरी तरीके से स्थिति में जो है वो पहुँच जाता है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पर इम्यून सिस्टम आपका मजबूत नहीं रहता है, और वैसे सिचुएशन में अगर किसी को जो है ब्लैक फंगस हो जाता है, या फिर जैसे डायबिटीज़ वाले केस में अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो वैसे वाले केस में क्या होता है कि उनकी दवाइयाँ जो है वो हमेशा चलती रहती है। और जब शुगर के केस में दवाइयाँ हमेशा चलती रहती है, तब का इम्यून सिस्टम जो है उतना मजबूत नहीं होता है। और उस केस में अगर ब्लैक फंगस जो है अटैक करता है किसी पे, या किसी के बॉडी में जो है वो जाता है, तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी जो है इतना कमज़ोर रहता है कि ब्लैक फंगस जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो उनके लिए ये बिल्कुल भी जो है एक तरह से उतना डेंजरस नहीं है, जो बिल्कुल हेल्थी हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है जिनको कोविड हो रखा है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, या फिर जिनको डायबिटीज़ की जो है वो बीमारी है, तो उन लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा एक खतरा है। अब हम देख लेते हैं कि किन लोगों के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा खतरा है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जिन लोगों में हाई शुगर की समस्या है, यानी कि जिनमें मधुमेह है, डायबिटीज़ है, और जो इसके लिए टेबलेट रहते रहते हैं हमेशा, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर रहता है। और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है उसमें ब्लैक फंगस की बीमारी जो है ज़्यादा खतरनाक हो सकता है।
और जिनमें बीमारियों के लड़ने वाले जो है इम्यून सिस्टम की क्षमता बहुत ही कम है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियाँ, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, ऐसे बीमारियों से अगर कोई लड़ रहा है तो उसमें जो है ब्लैक फंगस जो है एक बहुत ही खतरनाक रोल जो है वो प्ले कर सकता है। वैसे लोग जो कि कोरोना से संक्रमित हैं या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर हैं या वेंटिलेटर पे जो है, तो वैसे लोगों को ब्लैक फंगस जो है वो बहुत ही मजबूती से पकड़ सकता है और उनके लिए एक लाइफ थ्रेटिंग जो है ख़तरा जो है वो बन सकता है। क्योंकि जिन लोगों में जो है इस ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो डिपेंड हो रहे हैं या फिर वेंटिलेटर पे हैं या फिर कोरोना से बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, तो वैसे लोगों का इम्यून सिस्टम जो है ऑलरेडी बहुत ही ख़राब हो चुका है। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही ख़राब हो चुका है, जैसे मैंने आगे भी बताया, उनके लिए ब्लैक फंगस जो है बहुत ही ख़तरा का जो है वो घंटी है। अब हम देख लेते हैं इसके जो है सिम्टम्स क्या है, यानी कि ब्लैक फंगस को जो है वो कैसे पहचाना जा सकता है, किस तरह का जो है ये लक्षण शो करता है सामने, जिसको देखने के बाद जो है आप ये कह सकते हो कि ये जो है ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। सबसे जो पहला सिम्टम्स है कि वो है नाक से काले रंग का जो है वो कचरा निकलते रहता है, या फिर नाक से जो है खून निकलते जो है वो रहता है अगर ब्लैक फंगस किसी को है तो। नाक का बंद हो जाना, जैसे कि नाक जो है वो बंद हो जाएगा, सर दर्द होते रहेगा, आँखों में दर्द होते रहेगा, आँखों के पास जो है सूजन टाइप जो है आपको महसूस होने लगेगा, सूजन टाइप का जो है हो जाएगा, आँखों में जो है रेड रेड जो है वो दिखाई देने लगेगा, लालपन आ जाएगा, डबल विजन हो जाएगा, यानी कि आपको जो है कोई भी चीज़ जो है वो सही से नहीं दिखाएगी, कभी ब्लर कुछ चीज़ें दिखाएगी, कभी क्लियर जो है वो दिखाई देगी। आँखों के बंद जब भी आप करोगे तो थोड़ा सा परेशानी आपको फील करने को देखने को मिल सकता है, यानी कि जब भी आप आँखें अपनी बंद करते हो तो परेशानी जो है आपको देखने को मिल सकता है, देखने में किसी भी चीज़ को जो है समस्या आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ब्लर दिखाई देने लग सकते हैं। चेहरे की मांसपेशियों में जो है वो आपको दर्द सा होना महसूस हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी चेहरे जो है वो सुन्न पड़ गए, झनझनाहट सा आ जाएगी चेहरे में। इसके अलावा मुंह खोलने में या किसी चीज़ को चबाने में आपको परेशानी आ सकता है। दांत का गिरना भी जो है, जो ओल्ड लोग हैं यानी जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, अगर दांत गिरने का समस्या हो रहा है, मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, चबाने में दिक्कत हो रही है, या चेहरे में जो है वो मांसपेशियों में जो दर्द सा महसूस होता है, सर दर्द सा होते रहता है, नाक बंद हो जाता है, या फिर आँखों में दर्द होते रहता है, नाकों से जो है वो खून सा आते रहता है, या फिर काले रंग का जो है वो कचरा निकलते रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ब्लैक फंगस का जो है वो ये सिम्टम्स है, और इससे पहचान सकते हो कि ये जो है ब्लैक फंगस किसी व्यक्ति को हुआ हुआ है। तो उसे एक सही सा जो है वो डॉक्टर से इलाज करा सकते हो, या फिर उसे दूरी बरत सकते हो कि बाकी लोगों को जो है वो सिम्टम्स ना हो, ब्लैक फंगस बाकी लोग जो है वो चपेट में उसके ना आए। अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लैक फंगस का कोई शिकार है या ब्लैक फंगस किसी को हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से नहीं, वैसे डॉक्टर से जो ENT में जो है वो स्पेशलिस्ट हो, जिसे जो है आँख नाक या गले का जो है वो स्पेशलिस्ट हो, ऐसे डॉक्टर से जो है संपर्क करना चाहिए और इसकी चेकअप जो है वो सबसे पहले तुरंत ही कराना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ को लेकर। अपने ब्लड शुगर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इलाज करते रहना चाहिए। अगर किसी में ब्लड शुगर यानी कि शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी ज़्यादा है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि उसका जो है सही तरीके से जो है इलाज कराएं, समय पर दवा लें और पूरा ध्यान रखें ताकि बाकी बीमारियों की चपेट में आप ना आ जाएं। क्योंकि अगर किसी को ब्लड शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो बीमारी है, तो जहाँ पे जो शुगर की बीमारियाँ जो होती है, हाई शुगर जहाँ पे होता है, या डायबिटीज़ जहाँ पे जो होता है, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी बहुत ही खतरे में आ चुका होता है। वहाँ पे इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया होता है कि अगर आपको आपके ऊपर कोई दूसरी बीमारी जो है वो हावी हो जाती है तो आप जो है इससे बच के जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आपके लिए, और पूरा जो है बीमारी एक तरह से ऐसा सिनेरियो ला देगा कि आपको बहुत ज़्यादा वीक बना सकता है और एक तरह से लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो बन सकता है। और चौथा जो है वो कि आप बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा जो है वो ना लें ऐसे बीमारियों में, और ना ही किसी ऐसे से सलाह मांगने की कोशिश करें जो कि डॉक्टर ना हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही, जिस फील्ड का है उस फील्ड के जो है उस डॉक्टर की सलाह लें, और उस डॉक्टर की सलाह पर ही कोई भी दवाई लें और पूरे समय से दवाई लें। अगर आपको ये सारी चीज़ें सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा आपको ब्लड शुगर भी है या फिर जो है डायबिटीज़ है, तो आप उन सारी चीज़ों को है किसी से छुपाने की कोशिश ना करें और पूरा जो है इन सारी चीज़ों को अपने डॉक्टर से जो है वो सलाह ले, किसी स्पेशलिस्ट से सलाह ले, और उसी के हिसाब से जो है दवाइयाँ जो है वो पूरे समय पे लें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलते रहेगा।
और इसके अलावा जो है आप हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी जो है जुड़ सकते हो, जिसका आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डॉक्टर हॉस्टल जो है वो सर्च करके टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पे जो है आप हमसे जुड़ सकते हो। और ऐसी अच्छी से अच्छी नॉलेज जो है आपको शेयर की जाती है, वहाँ से जो है उसका पूरा बेनिफिट जो है उठा सकते हो, जागरूक बन सकते हो। तो मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।